दोस्तों, गोल्ड एक कमोडिटी है जो प्रीसियस यानी कीमती मेटल्स में आता है। इंडिया में लोग सालों से गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते आए हैं। लोग अक्सर गोल्ड ज्वेलरी या गोल्ड कॉइन्स बाई करके इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, और इसमें हमें प्रॉफिट तब होता है जब हम गोल्ड को अपने बाय किए हुए प्राइस से ज़्यादा के प्राइस पर सेल करते हैं। दोस्तों, गोल्ड में हम दो तरीकों से इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला है फिजिकल तरीके से और दूसरा है डिजिटल तरीके से। फिजिकल तरीके से हम गोल्ड में इन्वेस्टमेंट तो करते ही आए हैं। गोल्ड ज्वेलरी बाई करना, गोल्ड कॉइन्स बाई करना, गोल्ड के बने आर्ट क्राफ्ट्स बाई करना, ये सब फिजिकल तरीके से गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना कहलाता है। पर दोस्तों, फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने में ये रिस्क है कि हमारा गोल्ड गुम हो सकता है या कोई उसे चुरा सकता है, इसलिए फिजिकल गोल्ड को लंबे समय तक रखना काफ़ी रिस्की हो जाता है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि हम फिजिकल गोल्ड की जगह डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करें, क्योंकि डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करने से हमें बिल्कुल गोल्ड जैसा ही रिटर्न मिलता है। पर क्योंकि इसमें सब कुछ डिजिटली होता है, जहां पर गुम होने का या चोरी होने का खतरा नहीं होता। दोस्तों, डिजिटल तरीके से हम गोल्ड में बेसिकली चार तरीकों से इन्वेस्ट कर सकते हैं, और वो हैं डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ETFs, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। आइए हम इन्हें एक एक करके समझते हैं। दोस्तों, डिजिटल गोल्ड में हम गोल्ड को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बाय करते हैं, जो हमारे ऑनलाइन अकाउंट में शो होता रहता है। हम यहाँ पर गोल्ड को ग्राम और अमाउंट के हिसाब से बाय कर सकते हैं। जैसे हम 1 ग्राम या 0.01 ग्राम गोल्ड बाय कर सकते हैं, या हम 100 रुपए, 500 रुपए या 5000 रुपए का गोल्ड बाय कर सकते हैं। दोस्तों, डिजिटल गोल्ड बाय करने का ऑप्शन बहुत सारे ऐप्स देते हैं, पर हमें किसी ट्रस्टेड या जाने माने ऐप से ही गोल्ड को बाय करना चाहिए। दोस्तों, गोल्ड ETFs यानी गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स एक तरह के फंड्स होते हैं, जो मेनली गोल्ड बुलियन के प्राइस पर बेस्ड होते हैं, और हम इन्हें ठीक किसी शेयर की तरह शेयर मार्केट में बाय और सेल कर सकते हैं। वहीं गोल्ड म्यूचुअल फंड्स एक तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जो गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करते हैं, और हम इन्हें किसी भी म्यूचुअल फंड्स की तरह बाय और सेल कर सकते हैं। हम म्यूचुअल फंड्स के बारे में डिटेल में आगे के चैप्टर में जानेंगे। दोस्तों, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स एक तरह के गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, जो गोल्ड पर बेस्ड होते हैं, और बॉन्ड की प्राइस 1 ग्राम गोल्ड के मार्केट प्राइस के बराबर होती है, और हमें इसमें हर साल अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर 2.50% का इंटरेस्ट भी मिलता है, और बॉन्ड्स की मेच्योरिटी आने पर हमें उस वक्त के गोल्ड के मार्केट प्राइस के हिसाब से अपने पैसे वापस मिल जाते हैं। जैसे अगर हमने टोटल 50,000 रुपए इन्वेस्ट करके 10 ग्राम के गोल्ड बॉन्ड्स 5,000 रुपए पर ग्राम के रेट से बाय किया है, तो हमें इस पर 2.5% के हिसाब से अपने 50,000 रुपए पर हर साल 1,250 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। और अगर बॉन्ड की मेच्योरिटी के टाइम पर गोल्ड का रेट 5,000 रुपए से 6,000 रुपए पर ग्राम हो गया, तो उस वक्त हमें अपने 10 ग्राम गोल्ड के लिए 60,000 रुपए वापस मिलेंगे। दोस्तों, आइए अब हम कलेक्टिबल्स इन्वेस्टिंग को जानते हैं, जो नॉर्मल इन्वेस्टिंग से काफी अलग होता है।